दोस्तों एक्सेल की इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमाउंट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना। गाइस एक्सेल के अंदर हम सीधे सीधे अमाउंट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा फॉर्मूला या फीचर एक्सेल के अंदर हमें इनबिल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे VBA कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे जहां पर मैं आपको बहुत ही आसानी से नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो नीचे यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं और देखिए मैंने इसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया हुआ है और किसके अंदर, इंडियन रुपीस के अंदर। सेम इसी टॉपिक पे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी जब हम GST बिल बना रहे थे, तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आप अमाउंट को वर्ड्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आने वाले फ्यूचर में मिलती रहे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कन्वर्ट अमाउंट इनटू वर्ड्स इन इंडियन रुपीस, तो इसको आप नंबर्स को इंडियन रुपीस वर्ड्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि गाइस मैंने अभी आपको बताया इसके लिए हमारे पास कोई एक्सेल में फीचर या कोई भी फंक्शन नहीं है जिसके थ्रू हम नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर सकें। तो गाइस इसके लिए आपको VBA कोडिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो गाइस मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल कोडिंग के थ्रू एक फंक्शन तैयार किया है जिसके थ्रू आप नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस मैं आपको एक नोटपैड की फाइल देने वाला हूं जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं हम अमाउंट को किस तरीके से इंडियन रुपीस वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज आपको एक नोटपैड फाइल जैसे कि मैंने आपको बताया मैं आपको दूंगा, वो आपको सिंपली कॉपी करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है और कंट्रोल सी से आप उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको वापस एक्सेल फाइल में आना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F11। जैसे गाइज आप Alt F11 प्रेस करेंगे तो आपकी VBA की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको एक मॉड्यूल यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। देखिए आपको इस तरीके से व्हाइट पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो VBA कोडिंग आपने कॉपी की थी आपको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए आपकी ये VBA जो भी कोडिंग है इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज आपको जैसा फाइल में दिया हुआ है वैसे ही आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको कंट्रोल S से इसको सेव करना है। नाउ फाइल सेव करने के बाद अब आप उसको यूज कर पाएंगे। बस आपको सिंपल कीबोर्ड से प्रेस करना है इक्वल, देन कोर्स टैब लिख लें। कोर्स टैब के बाद आप फॉर्मूले को सेलेक्ट कर लें और आपको सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखिए इस तरीके से वो आपको नंबर्स में वर्ड्स में कन्वर्ट करके दे देगा। बस आपको लिखना है कोर्स टैब, इसके बाद आपको नंबर को सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। Now, इस तरीके से आप अमाउंट्स को वर्ड्स में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो या फिर कितना भी छोटा नंबर हो। आपको सिर्फ लिखना है कोर्स टैब और नंबर को सिलेक्ट कीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम आप ऐसे ही नीचे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सब जगह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से गाइज आप नंबर्स को बहुत ही इजीली वर्ड्स में कन्वर्ट अप कर पाओगे। जैसे कि अगर आप इनवॉइसेस बना रहे हो या पे स्लिप बना रहे हो तो वहां पर आपको नंबर्स को वर्ड्स में भी दिखाना होता है, तो आप बहुत ही आसानी से नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाओगे। तो गाइज इसी तरीके की वीडियोज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको एक्सेल और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोज आपको देते रहेंगे जिससे आप अपनी स्किल्स को और एनहांस कर पाओगे। तो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय।